देखो जी, आज जो है क्लास 9 का जो है बहुपद जो है 2.1 जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है 2.1 एनसीआरटी का जो है पूरा का पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे 2.1। ठीक है, क्लास 9 बहुपद 2.1 जो है लिखा हुआ एनसीआरटी बुक है, बिहार बोर्ड है ना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बता दो, कौन कौन चर है इसमें से तुमको क्या करना है, लिखना है कारण के साथ। तो बताओ पहला क्वेश्चन इसमें है 4x² क्या है पहला क्वेश्चन, 4x² -3x + 7। तो बताओ ये बहुपद है, तो बताओ पता करना है ये बहुपद है या नहीं है बहुपद। तो हम सबसे पहले हम तुमको बता दें कि बहुपद पता करने के लिए चर के मान, चर होता है ए से लेकर जेड तक को चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक को चर बोलते हैं, यानी ए बी सी डी 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 ई कहां तक, जेड तक को क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। एक दो तीन चार जो भी सो होता है उसको बोलते हैं अचर, यानी जिसका मान, जिसका मान जो है बदलते रहता है हमेशा उसको बोलते हैं चर, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर। ठीक है, अब बताओ तो क्या बताया है, बहुपद है या नहीं, रैखिक बहुपद है या नहीं। ठीक है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है देखते हैं। एक पहला बताओ, ये पावर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बहुपद लाने के लिए हमको पावर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, एक्स के पावर एक होना चाहिए या दो तीन चार पांच, यानी पूर्णांक संख्या, पावर क्या हो, पूर्णांक संख्या में हो, और पावर जो है हमेशा जो है पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। चर के पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, दो चार छः आठ दस कुछ भी हो, मतलब पावर जो है पूरा 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 होना चाहिए। तो क्या होगा बताओ, ये होता है बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अगर यदि जो पावर, चर के पावर कोई भी चर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो ना, अगर पावर अगर रहे पॉइंट में, रहे क्या रहे पॉइंट में, कुछ भी हो, एक पॉइंट दो एक पॉइंट तीन एक पॉइंट चार कुछ भी हो पॉइंट में, अगर पावर रहे या चर बटा में रहे या चर के पावर माइनस में रहे, पावर माइनस में रहे या चर के पावर बटा में जो है पावर रहे, अगर ऐसा या रूट में रहे चर का मान, तो ये सब बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। हमेशा चर के पावर जो है घात जो है हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ये बताओ बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बहुपद है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि चर के चर की जो पावर जो है घात जो है दो है, यहाँ कुछ नहीं तो कुछ है एक है, इसका मतलब है कि पूरा पूरा पावर जो है घात जो है पूरा पूरा है, इसलिए क्या है ये बहुपद है। और जिसके पोलर जिसकी पावर जो अगर मान रहे पॉइंट में रहे, कुछ भी पॉइंट में रहे या बटा में रहे या एक्स की पावर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस छः कुछ भी रहे माइनस में रहेगा पावर, तो बहुपद नहीं होता है। या एक्स के पावर जो है बटा में रहे वो भी बहुपद नहीं होता है, या एक्स रूट में रहे या तो भी बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये सब बहुपद होता है, बहुपद होता है, ये बहुपद है। हाँ जी बहुपद है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, हम आज कंप्लीट कर देते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है जी, देख लेते हैं 2.1। ठीक है, तो बताओ इसका कारण क्या बताएंगे कि बहुपद है, तो कई चर में है, एक चर में बहुपद है, एक चर में सिर्फ एक्स वाला पद है ना, इसलिए एक चर में बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि घात जो है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगला जो है
दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। दूसरा नंबर बोल रहा है बाइक स्क्वायर है प्लस रूट टू है, बताओ ये बहुपद है। हाँ जी बहुपद तो है, बहुपद तो है, लेकिन कै चर वाला है, इसमें सिर्फ बाई है, ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, बहुपद है, एक चर वाला क्या है बहुपद है। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन है क्यों एक चर वाला बहुपद है, तो इसका जो है बाई है एक ही चर पद है ना, इसमें से कोई भी अगर एक रहेगा तो एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, अगर दो रहेगा तो दो चर वाले एक्स बाई रहेगा तो दो चर वाले बहुपद हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है सिर्फ बाई है तो एक चर वाले बहुपद है। अब बताओ तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, बताओ ये कितने वाला है, ये बहुपद है ही नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि जो है ये चर संख्या जो है, चर जो है मान वो रूट में है, रूट में अगर होता है तो बहुपद नहीं होता, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा है बाई प्लस टू बट्टा बाई है। अब बताओ बाई प्लस टू बट्टा बाई है तो बटा में कोई चर नहीं होता है, बटा में अगर चर है तो बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और चौथा देखते हैं पचमा, पचमा क्या है एक्स के पावर है 10, फिर बाई के पावर है 3 और प्लस टी के पावर है 50, अब बताओ इसमें कितने चर है। तो ये तो बहुपद है क्योंकि पावर जो है घात जो है पूर्णांक संख्या में है ना, लेकिन तीन चर है, क्या चर है, तीन चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला, तीन चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितना है तीन है, इसलिए ये तीन चर वाला बहुपद है, कारण के साथ तुमको लिखना है। तो ये जो है एक वाला पूरा खत्म हो गया है, पहला का था और पहला का एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन था, पांच क्या हो गया खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, बोल रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, बहुत ही इजी है, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, 2 का पहला है, एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है गुणांक क्या होगा, क्या होगा निकालना है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताओ ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है और 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स के क्यूब, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बताओ एक्स स्क्वायर में कितना गुना हो ले? कुछ नहीं गुना है तो एक से गुना है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ आंसर में लिख देंगे आंसर में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा कुछ नहीं तो क्या है एक है, इसमें बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बताओ, इसमें भी कुछ नहीं गुना हुआ है तो एक से गुना हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस है हो जाएगा माइनस एक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है पाई बटा टू है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है, चौथा क्वेश्चन है रूट टू एक्स माइनस वन है, रूट टू एक्स माइनस वन है, अब बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा पाई बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई बटे कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जो गुना हो ले तो पाई बटा 2 से गुना हो ले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा पाई बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बताओ एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमको बोल रहा है एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है गुणांक निकालना है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं है तो क्या दे देंगे 0 दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3
छुड़ा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा। 2.1 है, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी बहुपद लिखें। अब बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी बहुपद क्या करना है, लिखना है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 2.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है बहुपद का, ठीक है। तो देखते हैं, 35 घात होना चाहिए, एक के द्विपद होना चाहिए। तो बताओ, x के पावर जो है हम दे दिए 35 और प्लस, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पावर 2 दे देते हैं। तो बताओ, ये एक पद, ये दो पद का बोल रहा है, द्विपद का निकालना है और घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 35 घात होना चाहिए। इसमें अगला बोल रहा है 100 घात का एक पद, तो x के पावर क्या कर देंगे, 100, एक के पद है, घात कितना है, 100 है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात क्या होगा। तो सिंपल है, घात निकालना है जी, चौथा में घात निकालना है, कितना घात होगा। तो बताओ, घात निकालना है तो 5x² 5x³ है, प्लस 4x² है, प्लस 7x है। अब बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, 5, 4 का पहला क्वेश्चन है, 4 का दूसरा क्वेश्चन जो है कितना है, 4 - y² है, तीसरा क्वेश्चन है 5t - 7 है, और चौथा क्वेश्चन है 3 है। इसमें क्या बता रहा है, बोल रहे बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात क्या होगा, कितने घात का है। तो हम इधर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे चर का पावर देखेंगे। अगर चर के पावर, अगर चर पर पावर अगर जो दी जो है, चर संख्या पर पावर अगर है ना, एक होता है तो एक घातीय बहुपद कहलाता है, 2 होता है तो 2 घातीय कहलाता है, अधिक से अधिक 3 होता है तो 3 घातीय कहलाता है। तो बताओ, इस पर पावर कितना है, सबसे ज्यादा पावर कितना है, देखो 3 है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये त्रिघातीय क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। इसमें बताओ, इसमें घात कितना है, अधिक से अधिक 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, सॉरी प्रत्येक का घात निकालना है, ठीक है, घात 2 है, इसका कितना होगा, त्रिघातीय बहुपद है तो घात कितना होगा, 3 होगा, ये द्विघातीय बहुपद है तो घात कितना होगा, 2 होगा। इसमें बताओ, कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो एक पदी बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। तो बताओ इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका घात 1 हो जाएगा। और 4 में बताओ, 4 क्या हो जाएगा, घातीय घातीय हो जाएगा कि 2 घातीय हो जाएगा। तो 4 में बताओ, 2.1 का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है कुछ नहीं है, चर है ही नहीं, इसमें चर इसमें है ही नहीं है, तो क्या होगा, इसका जो है ये शून्य बहुपद, ये जो शून्य घातीय बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य घातीय बहुपद हो जाएगा, बहुपद, इसका घात कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें चर संख्या है ही नहीं है, x, y, z कुछ भी है ही नहीं है, है ना, इसलिए जो बोलेंगे इसको शून्य घातीय बहुपद बोलेंगे, इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखीय है और कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। तो बस ऐसे ही बनेगा, 5 बोला है, बताना है कौन घातीय बहुपद होगा, कौन द्विघातीय बहुपद होगा, कौन त्रिघातीय बहुपद होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है पहला क्वेश्चन 5 का, दूसरा क्वेश्चन 5 का है एक्स माइनस एक्स की क्यूब, तीसरा क्वेश्चन 5 का है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स है, और पांचवा क्वेश्चन है 3t है, छठा क्वेश्चन है आर के स्क्वायर है, और सातवां क्वेश्चन है 7x के क्यू है, और आठवां क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। तो बताना है एक कौन एक रेखीय बहुपद होगा, कौन एक घातीय होगा, कौन द्विघाती होगा, ठीक है। ये क्या करना है, पता करना है। तो रेखीय बहुपद को ही बोलते हैं एक घातीय बहुपद, ठीक है। तो बताओ जिसके पावर जो है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले बार बताए हैं कि जिसके पावर जो है एक होता है, चर की पावर एक होता है उसको रेखीय बोलते हैं, और जिसका पावर चर के पावर 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघातीय, और जिसके चर के पावर जो है अधिकतम पावर जो है 3 होता है उसको त्रिघातीय बोलते हैं, और उससे 4 अधिकतम पावर रहेगा तो 4 घातीय बोलेंगे, चतुर्घातीय, ठीक है। मतलब इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा, त्रिघातीय, ठीक है। अगला द्विघाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है इसमें कि बताओ इसमें अधिकतम घात 2 है इसलिए हो जाएगा द्विघातीय, ठीक है, द्विघातीय। अगला बताओ इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, और कुछ नहीं तो पावर 1 है तो हो जाएगा रैखिक, क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, क्योंकि जिसके पावर 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक, ठीक है। इसके भी पावर 1 है कुछ नहीं तो इसको ये भी हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैखिक। इसके पावर बताओ, इसके पावर कितना है, इसके पावर 2 है, इसको बोलते हैं द्विघातीय, द्विघातीय, ठीक है। और इसको बताओ इसके पावर 3 है इसको बोलेंगे त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। और इसके पावर कुछ नहीं तो 1 पावर है इसलिए क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बोलेंगे, ठीक है। जिसके पावर देख लो, जिसके पावर अगर 1 होता है कितना होता है, जिसके पावर 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, और जिसके पावर 2 होता है, चर के पावर अधिकतम पावर देखना है, न्यूनतम पावर नहीं बल्कि अधिकतम पावर देखना है, चर के पावर जो है 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसके अधिकतम पावर 2 होता है उसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे, और जिसका अधिकतम पावर जो है 3 होता है उसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो बताओ एक घातीय द्विघातीय बहुपद हो गया, त्रिघातीय भी हो गया, एक घातीय को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, कुछ पावर नहीं होता है तो 1 पावर होता है इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो आज जो है 2.1 क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में जो है 2.2 क्या बताएंगे, 2.2 बताएंगे, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और 9th क्लास 10th क्लास का जितना भी वीडियो हो सके मैथ का साइंस का हम बना देंगे, ठीक है।